देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, एंड वेदर इज़ कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग राइट नाउ। और जहाँ पे मैं जाने वाला था वो ये जगह है यहाँ से नीचे की तरफ, और मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसा लगता है। कितना अमेजिंग है सीरियसली ये प्लेस। जो पेड़ हैं सामने सारे के सारे चीड़ के पेड़ हैं ये। यो, आई एम हियर राइट नाउ। बहुत ही अमेजिंग हवा चल रही थी यहाँ पे अभी, ये अमेजिंग एकदम ठंडी हवा। यहाँ पे जितने भी धार होते हैं वहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, जैसे कि ये भी एक धार है। और ये है इतनी खूबसूरत जगह, आप यहाँ ज़रूर आना चाहिए और मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आइए और मेरे साथ घूमिए यहाँ पे। दिस इज डैम अमेजिंग प्लेस। अब मैं जा रहा हूँ वापस टिहरी की तरफ, उस पहाड़ पे है टिहरी, वहाँ इसके पीछे ये वाला, उधर मैं वापस जाऊँगा भी सुरसिंगधार से होते हुए फिर टिहरी की तरफ। और राइट नाउ आई एम गोइंग ऊपर की तरफ, मेरा रास्ता पूरा का पूरा ऐच चढ़ना मना हालत खराब जाती यार भयंकर। यो सनसेट इज अबाउट टू हैपन, सनसेट होने वाला है। और अभी और एंचर्ड मैन यू नो हाइकिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू हियर, द बेस्ट थिंग। यप यप, अब लग रहा है मुझे थोड़ा सा पहुँचने वाला ऊपर, ये थोड़ा सा घूम के फिर ऊपर ही है। चलते चलते मैं नीचे चला गया था, काफ़ी नीचे। अब बोलते पहाड़ों में अकेले जाने चाहिए उसे, कोई भरोसा नहीं, कभी तुम्हें बाघ मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। कहीं भी आपको बाघ मिल सकता है, बिल्ली का बच्चा मिल सकता है, बंदर मिल सकता है और भालू भी मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि अकेले ना जाओ तो अच्छा है, साथ में लेके जाओ सबको। मैं आपके साथ हूँ इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ अभी, आई एम नॉट अलोन, ओके आई एम विद यू राइट नाउ। सो अब हम पहुँचने वाले थोड़े से अगने, और जब भी कोई रास्ता बताते ना यहाँ तो ऐसे ही होता है, अगर आप पूछोगे कि भाई कतरा दूर छा, सब बोले बस थोड़ सा गगन है थोड़ सा। और जब पता चल दिया यार थोड़ सा 5-6 किलोमीटर दूर थे, हाँ सच में। लेकिन मैं मजाक नहीं करना, थोड़ सा के दूर छा। देखा बोला था ना पास से, आ गया मैं इधर। और यह है कांडा, कांडा गांव का नाम है। ओके सही है, देखा गाँव में देखो कैसी सीढ़ियाँ होती हैं।